أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सोलहवां पारा भी मुकम्मल हो जाएगा और सूरह ताहा भी कंप्लीट हो जाएगी। आयत नंबर 124 से 135 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन आरज़ा, और जिसने एराज़ किया, जिसने मुंह मोड़ा, अनज़िक्री मेरे ज़िक्र से, मेरी नसीहत से, फ़ैन लहू तो बेशक उसके लिए मईशतन जन का तंग गुजरान होगी, उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी। वना शुरू हूँ और हम उठाएंगे उसको, यौमल क़ियामति आमा, क़ियामत के दिन अंधा। इससे पिछली आयत में जो बात हमने पढ़ी थी वो ये थी कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा जन्नत से, हज़रत आदम का हव्वा का किस्सा चल रहा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि फामा नित्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका, जो कोई मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा और ना उससे कोई बदबख्ती में मुब्तला होगा। मेरी हदायत जो मैं भेजूंगा, यही आयत हमने सूरह बकरा में भी पढ़ी थी थोड़े से फ़र्क के साथ, फ़ैम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो यहाँ पे है फ़ैम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका। तो दूसरी तरह के लोग भी होंगे, कुछ तो वो होंगे ना जो पैरवी करेंगे फरमाया मेरी हदायत की, वो तो ना गुमराह होंगे, ना बदबख्ती में मुब्तला होंगे, ना उन्हें कोई खौफ होगा, ना गम होगा। लेकिन कुछ लोग वो होंगे, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेंगे, जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेंगे, जो इस नसीहत को से अवॉइड करेंगे, तो उनके लिए मैं दुनिया की ज़िंदगी तंग कर दूँगा। बहुत खौफनाक बात है ये, और ये बहुत हमें दुनिया में अगर हम ऑब्ज़र्व करें ना, देखें लोगों को, तो हमें इसका मुजाहिरा हर जगह नज़र आएगा। या मईशतन जन का इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके लिए तंग दस्ती होगी, वो गरीब होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ उन्हें चैन ही नसीब नहीं होगा। अगर करोड़पति भी होंगे ना तो बेचैन रहेंगे, बादशाह भी बन जाएंगे तो दिलों में बेचैनी, बेकरारी, बेकली से निजात नहीं पा सकते। उनकी जो दुनिया की कामयाबियाँ हैं वो नजायज तदबीरों के नतीजे में उनको मिली होंगी, जिनकी वजह से वो अपने ज़मीर से के बोझ तले दबे हुए होंगे। हर चीज़ के साथ उनकी एक कश्मकश जारी रहेगी, जो उन्हें कभी चैन और इत्मीनान नहीं लेने देगी, कभी उन्हें सच्ची खुशी नसीब नहीं होगी। मईशतन ज़न का ये लफ्ज़ याद रखने वाला है कि जो अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है। अल्लाह का ज़िक्र क्या है? एक तो कुरान है अल्लाह का ज़िक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये कुरान नाजिल किया, ये ज़िक्र नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। वहाँ पे भी कुरान के लिए लफ्ज़ ज़िक्र आया, अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र नमाज भी है, मतलब अल्लाह के ज़िक्र से, ख़ास तौर पे जो कुरान से जिसने मुँह मोड़ लिया, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूँ।
मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ घरों में बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, एक दूसरे के खिलाफ भी हसद, बोगस, नफरतें, ये भी इसी अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। तो हमें ये सोचना चाहिए, बहुत से लोगों से आप कभी मिलते होंगे, उनके पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आप उनके पास बैठ जाएं सही, आपको लगेगा इनसे ज़्यादा दुखी दुनिया में है ही कोई नहीं। मेडिसिन खा के रातों को सोते, तो ये अल्लाह ने वजह बता दी कि ये क्यों ऐसा होता है। और फिर दूसरी बात, वनाशुरुहु यौमल कयामती आमा, अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने की जो दूसरी सज़ा है, ये तो दुनिया की सज़ा थी ना, और आखिरत की सज़ा भी सुन लें, कि हम उठाएंगे उसे कयामत के दिन अंधा करके। कयामत के दिन हम उन्हें अंधे उठाएंगे। पाला वो कहेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब, क्यों तूने मुझे उठाया अंधा, वकद कुंतु बसीरा, हालांकि मैं तो देखने वाला था, मैं दुनिया में नजर रखता था, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। अब यहाँ पे हजरत आदम अलैहि सलाम का किस्सा खत्म हो जाता है। ये किस्सा, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कि 6 मरतबा अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जिस तरीके से यहाँ दूसरी जगहों पे ये बयान हुआ है, इस पे अगर हम गौर करें थोड़ा सा, तो हमें ये बात समझ आती है कि ज़मीन की जो असल खिलाफत है, वो वही थी जो हज़रत आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ने शुरू में जन्नत में दी थी। हो सकता है वो जन्नत आसमानों में हो सकता है ज़मीन पे बनाई गई हो, बहरहाल अल्लाह ताला का खलीफा वहाँ पे बड़े शान व शौकत से रखा गया जन्नत में। उसके जैसा कि हमने पढ़ा, खाने पीने, लिबास, मकान का सारा इंतज़ाम अल्लाह के ज़िम्मे था, उसके खिदमतगार फरिश्ते उसके हुक्म के ताबे थे, उसको अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता था। और लेकिन इस ओहदे पे, इस खिलाफत पे उसको मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए ज़रूरी था कि अल्लाह ताला उसे इम्तहान लेता, ताकि उसकी सलाहियतों का पता चल सके, और ये पता चले कि इसमें के अंदर क्या कमज़ोरियां हैं और क्या खूबियां हैं। चुनाचे अल्लाह ने उसका इम्तहान दिया। क्या इम्तहान दिया? कि इस दरख्त के करीब नहीं जाओगे। उस इम्तहान के नतीजे में ये पता चला कि ये तो, इसके अंदर तो एक हिर्स भी है और लालच का अंसर भी है, जिसके तहत ये फिसल जाता है और अतात के अज़्म पर मजबूती से कायम नहीं रहता, और इसके इल्म पर भूल गालिब आ जाती है। जैसे कि भूल गए ना हज़रत आदम अलैहि सलाम, और शैतान की बातों में आ गए। इस इम्तहान के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और उनकी औलाद को मुस्तकिल खिलाफत पर मामूर करने की बजाय उसे एक आजमाइशी खिलाफत दी, और आजमाइश के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। और वो एक मुद्दत जो मुकर्रर की, जिसे कुरान आजल मुसम्मा कहता है, वो मुद्दत क़यामत पे जाके ख़त्म होगी। इस आजमाइश का जो दौर है, जो दुनिया में इंसान को जब भेज दिया गया, अब वो जो अल्लाह की तरफ से जो इंतज़ाम था उसकी मईशत का, वो तो ख़त्म हो गया। अब उसे अपनी मुआश का इंतज़ाम खुद करना है। ज़मीन पे रहते हुए इंसान अब मेहनत भी करता है, और खुद कमाता है, हर काम उसने खुद करना है, और फिसलता भी है, भूल भी लाहक होती है, वही हिर्स वही लालच उसके अंदर यहाँ भी मौजूद है। लेकिन इस फिसलने के बाद अगर अल्लाह का की भेजी हुई जो हदायत है, वो जो तज़कीर है, और उसका असर अगर उसको कबूल करता है, तो वो संभल भी जाता है, और अगर नहीं संभलता तो वो फेल होने का खदशा है। ठीक है, अब इस आजमाइशी खिलाफत के दौरान में हर एक के तर्ज अमल का अल्लाह ने रिकॉर्ड महफूज रखना है, और एक दिन वो आएगा जब यौमुल हिसाब होगा, जो लोग वहाँ पे कामयाब हो जाएंगे उनको फिर मुस्तकिल खिलाफत मिलेगी, उस दायमी ज़िंदगी और उस लाजवाल हुकूमत की, जिसका लालच शैतान उसको दे रहा था कि तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी का मैं असूल बता, वो लालच देकर शैतान ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करवाई थी। अल्लाह फिर उसको ऐसी सल्तनत अता कर देगा जो मुस्तकिल होगी। उस वक्त ये पूरी ज़मीन जन्नत बना दी जाएगी, उसके फिर वारिस वो
नेक बंदे होंगे जो आजमाइशी खिलाफत में अतात पे कायम रहकर और उस टेस्ट में पास होकर वापस जाएंगे, और जो लोग फिर इस दुनिया में इस दुनिया को समझते हैं कि ये तो ऐश की जगह है, बाबर बहश कोश के आलम दोबारा दोबारा नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो मौज उड़ाओ, ये ज़िंदगी दोबारा थोड़ी मिलनी है, बस एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करो, तो वो फिर उस टेस्ट में कामयाब नहीं होते, वो नाकाम हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अल्लाह के ज़िक्र से मुंह ना मोड़ें, उसकी भेजी हुई हदायत को माने और अपने उस अबदी घर में वापस जाएं जहाँ पे जिसको हम छोड़ के आए हैं। तो वहाँ पे चूंकि दुनिया में जो इससे मुंह मोड़ता है, अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, वो फिर अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अंधा क्यों उठाएगा, इसलिए कि अल्लाह कहेगा तुमने मेरी आयात से मुंह मोड़ा, मैंने दुनिया में तुम्हें जो हदायत भेजी तुमने उससे आंखें बंद कर ली, तो आज फिर सज़ा के तौर पे हम, ये नहीं है इसका मतलब कि उनकी बिनाई ही छीन ली जाएगी, इसका मतलब ये वो इसका हाल अंधों जैसा होगा, जिसे अपना रास्ता नजर नहीं आता होगा, उसका हाथ पकड़ के चलाने वाला भी कोई नहीं होगा, कदम कदम पे ठोकरें खाएगा, उसको कुछ नहीं सूझेगा कि किधर जाए। इस कैफियत को इन अल्फाज में बयान किया गया कि जिस तरह तूने हमारी आयात को भुलाया था, इसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है, यानी आज कोई परवाह नहीं की जाएगी कि तू कहाँ ठोकरें खाकर गिरता है और कैसी महरूमियां बर्दाश्त करता है, कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई तेरी हाजत पूरी नहीं करेगा, कोई तेरी खबर गिरी नहीं करेगा, तो ये हाल होगा इस शख्स का क़यामत के दिन। काला अल्लाह फरमाएगा कदालिक अतत का आयातुना, इसी तरह आई थी तेरे पास हमारी आयतें, फनसी तहा बस तूने भुला दिया उन्हें, व कदालिक यौम तुनसा और इसी तरह आज तू भी भुला दिया जाएगा, फकदालिका और इसी तरह नजजी हम बदला देते हैं, मन असरफा जो हद से तजावज करे, वला युमिन और ईमान ना लाए, उसको फिर हम ऐसी ही सजा देते हैं, बे आयाति रब्बी ही अपने रब की आयतों पर। दुनिया में हम उनको ऐसी कैसी सजा देते हैं, तंग जिंदगी की तरफ, जो अल्लाह के जिक्र यानी उसकी किताब और उसके भेजे हुए भेजी हुई नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं, उनको दुनिया में भी हम ऐसी ही सजा देते हैं, वाला अजाबुल आखिरती और आखिरत का अजाब अशद्दु व अबका ज्यादा सख्त है और ज्यादा बाकी रहने वाला है। अफलम यहदी लहुम, क्या पस नहीं रहनुमाई की उनकी, क्या पस नहीं हदायत दी उनको इस बात ने, कम अहलक ना कि कितनी ही हमने हलाक कर दी, कबल हम उनसे पहले, मिनल कुरूनी कौमें, यमशूना कि ये लोग चलते फिरते हैं, फी मसाकिनहिम उनके मकानात में, इन नफी ज़ालिका बेशक इसमें ला आयातिल्ली उलिन्नुहा, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं अकल वालों के लिए। इससे पहले यानी अहले मक्का को अब ये बात समझाई जा रही है कि हम उनको इस चीज़ से ये बात समझ नहीं आती, उनको पता नहीं चला तारीख के इस सबक से कोई उन्हें हदायत नहीं मिली कि उनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनकी तबाहशुदा बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं, उनके करीब ही मक्का के आदो समूद के बस्तियाँ थीं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि क्या इनको इस चीज़ से पता नहीं चला कि हमने किस तरह उनको हलाक किया। दरअसल इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं, जो अक्ल वाले हैं, जो समझते हैं, जिनको इस बात का पता है कि अगर वो तबाह हो सकते हैं तो हम भी, हम पे भी यही कुछ हो सकता है। ये तारीख के इस सबक में, आसार कदीमा के इस मुशाहदे में, नस्ल इंसानी के इस तजुर्बे में उनके लिए बड़ी निशानियां हैं, अगर वो गौर करें, अगर वो सोचें, अगर वो अकल से काम लें। फलौला कलिमतुन सबकत,
और अगर ना होती एक बात सबकत जो गुजर चुकी मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से, लकाना लिजामन तो हो जाता लाजमी, यानी अजाब उन पे लाजमी आता, नजूल अजाब लाजमन हो जाता। फ़अजल मुसम्मा, और अगर एक मुकर्रा वक्त ना होता, यानी एक चूंकि अल्लाह उनको अभी हलाक नहीं करना चाहता, उनके लिए मोहलत की मुद्दत मुकर्रर कर चुका है, इसलिए उसकी दी हुई मोहलत के दौरान जो कुछ भी तुम्हारे साथ करें उसे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा और सब्र के साथ उनकी तमाम बातों को सहना होगा, अपना तबलीग का फरीजा अंजाम देना होगा। इस बर्दाश्त और सब्र की ताकत तुम्हें कैसे मिलेगी वो भी बता दिया गया, यानी कि अभी अल्लाह इन पे अजाब नहीं देगा। अल्लाह ने उनको मोहलत देने का एक जो फैसला किया है, वलौला कालिमतुन, और अगर ना होती एक बात सबकत में रब्बी का, जो तेरे रब की तरफ से तय हो चुकी है, तो फिर तो उन पे अजाब आ जाता। सबकत मिन रब्बी का व अजल मुसम्मा, ये दो बातें तर्जमे में इनको इकट्ठा पढ़ा जाएगा, और अगर ना होती एक बात जो तय हो चुकी है और एक मुकर्रा मुद्दत अल्लाह ने तय ना कर ली होती, लकाना निज़ाम, तो फिर तो उन पे अजाब आ जाता, लेकिन अब उन पे अभी अजाब नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के जो हालात हैं उनको अगर हम जहन में रखें तो कैसे कैसे आप पे हालात गुजरे, कैसी कैसी तकलीफ़ें आपके साथियों को दी गईं, कैसी कैसी बातें आपको की गईं और आपको सताया गया, अब फिर उससे नबूरदाजमा होने का तरीका भी बताया गया कि वो कैसे मिलेगा। फसबिर अला मा यकूलून, आप सब्र करते रहें इस पे जो कहते हैं, और क्या करें, कैसे सब्र करें, और ये हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है। जब भी कोई तंगी आए, तकलीफ़ आए, मुसीबत हो, परेशानी हो, जब लोग आपको सताएं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ। क़ब्ला तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले, व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, और उसके ग़ुरूब होने से पहले, सूरज के तलू होने से पहले और उसके ग़ुरूब होने से पहले अपने रब की तस्बीह कीजिए। वमिन आना लैली, और रात की घड़ियों में, रात के औकात में, फसब्बिह तस्बीह बयान कीजिए, रात के औकात में भी तस्बीह बयान कीजिए। व अतराफ़ नहारी, और दिन के किनारों में, लअल्ला का तर्ज़ा, ताकि आप खुश हो जाएं। दिन के दोनों किनारों से, दिन के आगाज और सूरज ढलने के बाद के औकात जो हैं वो मुराद हैं। दिन का आगाज में कौन सी नमाज होती है, जब दिन शुरू हो जाता है, सलात-उज़ुहा, जिसे चाश्त की नमाज कहते हैं। सूरज ढलने के बाद नमाज जुहर का वक्त होता है, निस्फ़ नहार के बाद, और नमाजों की तादाद जो है ना वो असल में 8 है, इनमें से 3 फ़र्ज़ नहीं हैं, 3 को फ़र्ज़ नहीं रखा गया। क्यों फ़र्ज़ नहीं रखा गया, इसलिए कि ताकि आम लोगों को फजर से जोहर तक अपनी मुआशी सरगर्मियों के लिए और रात को आराम के लिए कुछ वक्त मिल सके, इसलिए अल्लाह ताला ने ये 3 नमाजें जो हैं इनको फ़र्ज़ नहीं रखा। एक इशराक, दूसरी चाश्त, इशराक जो होती है सूरज निकलने के बाद से 15 मिनट के बाद से उसका टाइम शुरू हो जाता है, 2-2.5 घंटे तक वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद चाश्त का शुरू हो जाता है जो 12 बजे से पहले पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जोहर फ़र्ज़ है, असर और मगरिब और ईशा, और फिर तहज्जुद की नमाज जो है जो उसको भी फ़र्ज़ नहीं रखा गया, तो बाकी 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। तो आगे फरमाया, तो ये जो दरअसल ये तस्बीह बयान कीजिए, ये असल में नमाजों के औकात भी इसमें आ गए हैं, और नमाजों में हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। फरमाया कि इससे तुम सब्र करने में और दिल को मजबूत करने में, दिल की मजबूती इससे तुम्हें पैदा होगी, तुम्हारे अंदर पैदा होगी।
और आखिरी बात क्या, अल्लाह का तर्ज़ा, इसके दो मतलब हो सकते हैं, गालिबन दोनों ही यहाँ मुराद हैं। एक ये कि आप अपनी मौजूदा हालत पर राजी हो जाएं, जिसमें अपने मिशन की खातिर आपको तरह तरह की नागवार बातें सुननी पड़ती हैं, और अल्लाह के इस फैसले पर राजी हो जाएं कि आप पर नाहक जुल्म और ज्यादतियां करने वालों को अभी सजा नहीं दी जाएगी, ये अल्लाह का फैसला है, आप इस पर राजी हो जाएं। वो आपको सताते रहेंगे, जमीन में फिरते रहेंगे बड़े दनदनाते हुए, लेकिन अभी उनको सजा नहीं मिलेगी। दूसरा मतलब ये है कि आप जरा ये काम करके तो देखें, इसका नतीजा वो सामने आएगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये जो दूसरा मतलब है, ये तो कुरान में कई जगह मुख्तलिफ तरीकों से पहले भी बताया गया। सूरह बनी इसराइल में नमाज का हुक्म देने के बाद फरमाया, असा असा यब असा का रब्बू का मकाम महमूदा, उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर पहुंचा देगा। और सूरह जुहा में फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल उला, वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल उला फलसौफ युती का रब्बू का फतरसा, आपके लिए बाद का दौर यकीनन पहले दौर से बेहतर है, और अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ देगा कि आप खुश हो जाएंगे। ला अल्लाह का तरसा, वला तमुद्दन ऐनई का इला मा मत्ताना भी अज़वाजम मिनहुम ज़हरत अल हयात दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह वरिस्कु रब्बी का खैरुन, वला तमुद्दन्ना और ना बढ़ा आई नई का अपनी आंखें इला तरफ उसकी माँ जो मत्ता ना हमने फायदा दिया है भी इसके साथ अजवाजन कई किस्म के लोगों को, मिनहुम उनमें से जहरत अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी की चमक दमक रौनक, जहरा कहते हैं चमक दमक को, रौनक को, दुनिया की जिंदगी की रौनक का, लिनफ्तिना हूँ फी ही ताकि हम आजमाएं उन्हें, नफ्तिना हूँ आजमाइश क्या होती है, फितने में डालना, आजमाइश में डालना, लिनफ्तिना हूँ ताकि हम आजमाएं उनको फी ही इसमें, वरिस्कु रब्बी का खैरुन और तेरे रब का रिस्क बेहतर है, व अबका और बाकी रहने वाला है। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो सूरह हिजर में आयत 88 में भी आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके मालो असबाब और दुनियावी आसाइशों के सामान की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें, ऐसा ना हो कोई ये समझ ले कि आपकी नज़रों में भी इन चीज़ों की कोई वक्त और अहमियत है। ये चमक दमक ज़हरत अल हयात दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी की ये जो चमक दमक है, ये तो हम इसके ज़रिए तो हम इनको आज़माने वाले हैं, ये तो इसलिए ताकि हम इन्हें इसमें आजमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हकीकत को जानते हैं कि ये दुनिया और इसका माल फानी है, और असल मकसद लोगों की आजमाइश है इसके जरिए से। सूरह कहफ में फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ी ज़ीनतल्लाहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने तो जो कुछ भी जमीन पर है इसे इसका बनाव सिंघार बनाया है, जीनत बनाया है, ताकि इन्हें हम आजमाएं कि इनमें कौन बेहतर है अमल में। असल में तो वह रिस्क रब्बी का खैरुम व अबका, और आपके रब का अता करदा रिस्क बेहतर और बाकी रहने वाला है। ये रिस्क कौन सा है, इसके दो मानी हो सकते हैं, मुफस्सरीन ने दो ही मानी लिए। बास के नज़दीक रिस्क का तर्जमा है रिस्क हलाल, क्योंकि अल्लाह ने कहीं भी हराम माल को रिस्क रब नहीं कहा। मतलब ये है कि आपका और आपके जो अहले ईमान साथी हैं उनका ये काम नहीं है कि ये नाजायज़ तरीक़ों से दौलत समेट कर अपनी ज़िंदगी में ज़ाहरी चमक दमक पैदा कर लें, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी रश्क की निगाह से देखें कि दौलत, ये शान शौकत, ये आपके लिए हरगिज़ काबिल रश्क नहीं होनी चाहिए। जो पाक रिस्क हम आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो खा कितना ही थोड़ा हो, ईमानदार लोगों के लिए वही बेहतर है, और इसी में भलाई है। और दूसरा मतलब इसका ये लिया गया है कि ये रिस्क जो है वो जो हमने
6 सूरह हिजर की आयात में पढ़ा था ना, वलकद आतैना का सब अमिनल मसानी वल कुरान अजीम, और हमने आपको दी है 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात और अजमत वाला कुरान। यानी सूरह फातिहा की 7 आयात, ये एक मोमिन के लिए ये रूहानी रिस्क है, मोमिन की जिंदगी का वजीफा है, ये हर नमाज की हर रकत में वो इसकी तिलावत करता है। ये रूहानी खुराक, रूहानी गिज़ा और रूहानी रिस्क और रूहानी दौलत जो एक मोमिन को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से अता हुई है, ये दुनिया के मालो मता से बहुत उम्दा और बहुत ज़्यादा बाकी रहने वाली है। वरिस्कु रब्बी का खैरुम व अबका, और तेरे रब का रिस्क जो अता करता है वो बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाला। इंसान के जैसे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, ऐसी उसकी रूह को भी रिस्क की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल दोनों मानी मुराद हो सकते हैं। वामुर अहला का बिस्सलात, और आप हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज का। बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा एक सबक है हमारे लिए, अपने बच्चों को नमाज की तरफ लाने के लिए। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा, और ख़ुद भी पाबंद रहें उस पर। ये नहीं कि उनको तो कहते रहें और खुद नमाज में डंडी मारते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हारे बच्चे भी अपनी तंग दस्ती के मुकाबले में ऐसा ना समझें कि जो ऐशो इशरत कर रहे हैं उनको देख के वो दिल शिकस्ता ना हो। उनको तलकीन करो कि नमाज पढ़ें, ये चीज़ उनके नज़रिए को बदल देगी, उनके मायार को बदल देगी कि असल चीज़ ये दुनिया का जो ऐशो इशरत है वो नहीं है। तो हमें उनकी तवज्जो का मरकज बदलना होगा ताकि वो भी रिज़्क़ हलाल पे भी रहें, और जब अल्लाह के करीब होंगे, उनके दिलों में तक्वा पैदा होगा, तो वो फिर दुनियावी ऐश पर आखरत को तरजीह देना शुरू कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी बातों में, हमारी ज़बान में भी असर पैदा करे और हमारे बच्चों पे भी हमारी बातों का असर हो, और अल्लाह ताला उनको नमाज की तरफ लाए और नमाज की पाबंदी करे। इसके लिए हमें जो रब्बी जालनी दुआ मांगते हैं, उस वक्त भी ये सोच के हमें दुआ मांगनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये कहते हुए कि अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से। तो दूसरे और भी दुआएं मांगनी चाहिए, रब्बी औज़िनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। वामुर अहला का बिस्सलात, और हुक्म दे अपने घर वालों को नमाज का, वस्तबिर अलैहा, और आप खुद भी पाबंद रहें इस पर। ला नस आलू का रिस्क का, नहीं हम सवाल करते आपसे रिस्क का, हम आपसे कोई रिस्क नहीं मांगते। नहनु नर्जुकु का, बल्कि हम खुद आपको रिस्क देते हैं। बल आकिबतु, और अच्छा अंजाम, लित्तक्वा, अच्छा अंजाम किसके लिए है? अच्छा अंजाम उसके लिए है जो तकवा वाला है, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जो अपने आप को हर वक्त डरता रहता है कदम कदम पे, उसके लिए अल्लाह ताला ने आकबत अंजाम, आखरत का अंजाम उनके लिए रखा है, अच्छा अंजाम। फ़कालू, और उन्होंने कहा, लौला यातीना भी आयतिन, क्यों नहीं वो लाता हमारे पास कोई निशानी, वही आ जा के बात मक्की सूरतों में हमें नज़र आती है। अहले मक्का का एक ही मुतालबा, घूम फिर के हर बात हर दलील के जवाब में एक ही रट थी कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई हिस्सी मौजज़ा क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं आता हमारे पास कोई मौजज़ा। लौला यातीन बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तातिहिम, क्या नहीं आई उनके पास बय्यिनतुन, एक वाज़े दलील, मा फिस सुहुफिल उला, उस चीज़ की जो पहले सहीफ़ों में से है, क्या इससे पहले
पिछले सहीफों में से उनके पास ये बात नहीं पहुंची। पहले आसमानी जो किताबें थीं उनकी तालीमात का कुरान में मौजूद होना खुद कुरान का उन सहीफों में बयान की गई पेशीन गोइयों का मुस्ताक बनकर आ जाना क्या ये मौजज़ा नहीं है? क्या ये मौजज़ा उनकी हदायत के लिए काफ़ी नहीं है? तो सोचने की बात है ना, ये कोई कम मौजज़ा है कि उन्हीं में से एक शख्स, एक उम्मी शख्स ने वो किताब पेश कर दी जिसमें शुरू से लेके अब तक की तमाम आसमानी किताबों के मजामीन और उनकी तमाम तालीमात का निचोड़ खोल के रख दिया गया। इंसान की हदायत के लिए उनकी किताबों में जो कुछ भी था वो तो सब ना सिर्फ ये कि इसमें जमा कर दिया गया बल्कि इसको ऐसा खोल के बयान किया गया कि सहरा नशीन बद्दू तक भी उसको समझ कर फ़ायदा उठा सकते। उसे इस तरह से अल्लाह ताला ने आसान बनाया तो क्या इससे कुछ समझ नहीं आई उनको? वलौ अन्ना अहलकनाहुम, और अगर बेशक हम हलाक कर देते उनको भी अजाब मिन कबल ही, किसी अजाब के साथ, मिन कबल ही इससे पहले ही, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही अगर हम इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर या क्या कहते? फिर वो कहते रब्बाना लौला अरसलता इलैना रसूलन, ऐ हमारे रब क्यों नहीं भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल? फनत्ता भी आयाति का, तो हम पैरवी करते तेरी आयतों की, मिन कबली इससे पहले, अन्न जिल्ला व नखजा कि हम जलील होते और रुस्वा होते। अल्लाह क्यों नहीं ऐसा हुआ कि तू हमारी तरफ कोई रसूल भेज देता ताकि हम फिर उसकी अतात करते, हम उसकी पैरवी करते? फरमाया कि कुल, कह दीजिए कुल, कुल मुतरबिसुन, हर एक इंतज़ार करने वाला है। फतरबसु, पर तुम लोग भी इंतज़ार करो। यानी जब से ये दावत तुम्हारे शहर में उठी है, ना सिर्फ इस शहर का बल्कि इर्द गिर्द के इलाके का भी हर शख्स इंतजार कर रहा है। कुल्लु मुतरबिसुन फतरबसु, बस तुम भी इंतजार करो कि क्या अंजाम होता है इसका। फसतालमूना, फिर अनकरीब तुम जान लोगे, मन असहाब सिरात सभी ही, कौन सीधे रास्ते वालों पर है, व मन इहतदा, और किसने हदायत पाई। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन सीधे रास्ते पे है, कौन हदायत पे है। थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। हर कोई देख रहा है, हर कोई गौर कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। कुल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, कुल मुतरबिसुन फतरबसु, हर एक इंतज़ार में है, बस तुम लोग भी इंतज़ार करो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह पर है और कौन हदायत याफ्ता है। यहाँ पे हमारी सूरत ख़त्म होती है। आज हम इसकी तिलावत सुन लेते हैं, लेकिन कल से हमने ये सोचा है कि तिलावत हम नहीं सुना करेंगे। मकसद उसका ये है कि दो बातें, एक तो जब हम तिलावत लगाते हैं शुरू में भी और आखिर में भी, इसके कुछ कॉपीराइट्स क्लेम्स होते हैं जिन लोगों की, हमने कौन सा ये तिलावत खुद कारी साहब से रिक्वेस्ट करके तिलावत करवाई है, हमने भी तो यूट्यूब से उठा लेते हैं ना, तो फिर ये इसकी वजह से दो नुकसान हमें होते हैं। एक ये होता है कि ये वीडियो फिर हमारी डाउनलोड नहीं होती, अक्सर लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं होती, और इस तिलावत की वजह से ये डाउनलोड नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि उन लोगों का, चूंकि उन्होंने, हमने तो ज़ाहिर है इस पे ऐसा कुछ नहीं किया हुआ कि इस पे हमें कोई, इस पे आए लोगों के एड्स आए, लेकिन उन पे चूंकि ये उन्होंने मोनेटाइज किया होता है तो इस वजह से इस पे हमारे एड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं देखती हूँ कि अक्सर कभी कोई हम वीडियो लगाते हैं तो उस पे एड्स आ रहे होते हैं, तो ये दोनों काम इस वजह से होते हैं कि हमने ये तलावत कहीं यूट्यूब से लेके इस पे लगा ली है, जो कि हमें तो बहुत अच्छी लगती है हम शुरू में भी और आखिर में भी, लेकिन अब ये हम अगली
सत्रहवें पारे से हम ये तिलावत नहीं लगाएंगे, आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज का दिन हम तिलावत सुन लेते हैं। ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى سبحان الله माशाल्लाह, जब हम गौर से तिलावत सुनते हैं ना, उससे ये एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि हमें छोटी छोटी अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। हम खुद जल्दी में, जैसे मैं अभी पढ़ाते हुए बाज़ औक़ात फिर ये जब गौर से सुने ना, पता चलता है हाँ ये लफ्ज़ शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा कर लिया था, ये कम लंबा किया था। तो ये तो बहुत फ़ायदा होता है हमें तिलावत सुनने से। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ, कोताहियाँ जो तजवीद की, जो ज़ेर ज़बर की हमसे हो जाती हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बार बार ये चलेगा। बस अल्लाह ही से दुआ है कि वो हमारी ये गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ माफ़ फरमा दें। वो भी जानता है कि हम दानिश्ता तो नहीं करते और हम इतने एक्सपर्ट भी नहीं हैं, ये हमारी ज़ुबान भी नहीं है और गलतियाँ हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें माफ़ फरमा दें। आमीन या रब्बल आलमीन।